देखो पंजाब के वित्तीय हालात 2022 तो पहला जो तो नवी सरकार असी संभाली बहुत तो माड़े सके और लगातार जी एस टी की कलैक्शन के असी आपका जिते जिते चोरी होंगी सी रोकी हैगी और जी एस टी की कलैक्शन बधाई हैगी और नवी एक्साइज पॉलिसी लेके बहुत सारिया पॉलिसिया चाहे ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी है जो होर पॉलिसिया नवी आ रही है सो दे रेवन्यू वाधा हो रहा है और असी लगातार खजाने भरन का यतन कर रहे हैं क्योंकि जेकर साडा खजाना भरिया होगा तो लोगों की समस्यावान का हल होगा सो लगातार ईमानदारी ने सरकार काम कर रही है कोई भी असी कितने भी जितने सानू लगता गा कि चोरी हो रही है साढ़े ध्यान चाहता कि चोरियां लगातार बंद कर रहे हैं एक एक पैसा जिहड़ा पुराने समयां दे विच पॉलिटिशियां दे घरां जांदा सी जां किसी ब्यूरोक्रेट दे घरां जांदा सी सारा पैसा बड़ी ईमानदारी दे नाल जिहड़ा गा वो खजाने चाह रहा है और खजाना भर रहा है। देखो पंजाबी यूनिवर्सिटी के हालात क्यों बने पंजाबी यूनिवर्सिटी के हालात क्यों बने 150 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों चढ़िया ये बड़ा सवाल हैगा पुराने समय के जिन्नी भर्तियां हुई नजायज़ खर्चे किए गए पुराने समय के वाइस चांसलर या उस समय सरकारां ने बड़ी बेरहमी दे नाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला लुटिया हैगा उन्हूं ठीक करन दे विच लगे हुए हैंगे सातवां पे स्केल भी लागू किया गया और कोई भी वित्तीय जिहड़ा संकट यूनिवर्सिटी नहीं आउण देंगे सरदार भगवंत सिंह मान जी का फैसला गया सरकार का फैसला। सर कब तक ग्रांट मिलेगी कुछ स्पेसिफिक? बिल्कुल बड़ी जल्दी ग्रांट देवांगे जिहड़ा 150 करोड़ रुपए का घाटा जिहड़ा उन्होंने कीता गया नजायज़ खर्चा किया भी असीं जिहड़ी जांच कर